गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आपसे को इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एलोटॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, क्या होता है उसको समझते हैं। तो एलोटॉप्स होता है कि जो भी हो सेम एलिमेंट रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट होना चाहिए। सेम एलिमेंट में जो कार्बन एटम्स का जो अरेंजमेंट होना चाहिए, ये कोई भी एलिमेंट हो और कोई भी एटम्स हो, यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। मैंने क्या बोला, फिर से सेम एलिमेंट एटम होगा, सेम एलिमेंट होगा, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होगा। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या होगा? डिफरेंट होगा। तीसरा चीज, उसका जो फिजिकल स्टेट होगा सेम फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होगा? सेम होगा, लेकिन उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? डिफरेंट होगा। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? डिफरेंट होगा। याद रखना, जितनी भी एलोट्रॉप्स होंगे उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे? अलग अलग होंगे, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जब एटम्स का अरेंजमेंट ही उसके अंदर अलग अलग है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। चलो हम लोग जो पढ़ेंगे वो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे ना, ठीक है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो कौन कौन है? एक डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट। एक डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के बारे में लिख लीजिए कुछ पॉइंट्स। डायमंड के बारे में, क्या होंगे? याद रखना, ये बहुत अच्छा लाइन लिखा है। वन कार्बन इज जॉइंड विथ थ्री अदर कार्बन। वन कार्बन इज जॉइंड विथ थ्री अदर कार्बन। जबकि डायमंड में जो होंगे वो एक कार्बन जो होंगे वो चार अदर कार्बन से जुड़े हुए रहेंगे। वन कार्बन इज मीन्स आपको बहुत कुछ पॉइंट्स क्लियर होगा। वन कार्बन इज ज्वाइन विद फोर अदर कार्बन। देखिए सर, समझेंगे सर। एक कार्बन यहां दिख रहा है तुम्हें, एक कार्बन का इधर एक कार्बन लगा हुआ था, इधर एक कार्बन लगा हुआ रहेगा, इधर एक कार्बन लगा हुआ रहेगा, और ये जो कार्बन है ये यहाँ पे नहीं रहेगा, यानी यहाँ पे क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा। जबकि यहाँ पे क्या रहेगा? इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। अगर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी होगा। यानी ग्रेफाइट कैसा होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है आपके पास, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है फॉर ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ऐसा इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन।
इक्वल टू नेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इक्वल नेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए यहाँ चारों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इज बैक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपसे पूछा गया कि कार्बन के कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, तो ग्रेफाइट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बताइए, ये तो तीन ही कार्बन से बना हुआ है, ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है नहीं, पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, ये तो पूरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये कैसा होगा, ये सॉफ्ट नेचर का होगा, ये कैसा नेचर का होगा, हार्ड नेचर का होगा। तो फिर से एक पॉइंट और यहाँ से लिखेंगे, ग्रेफाइट आप क्या देंगे, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस और इट इज सॉफ्ट इन नेचर, इट इज सॉफ्ट इन नेचर। ये कैसा होगा, रिएक्टिव नेचर का होगा, कौन, ग्रेफाइट, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पूरा तरह से बन नहीं पाया, ज्यादा रिएक्टिव होगा, जबकि डायमंड क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये क्या होगा आपका अनरिएक्टिव नेचर का होगा। फिर लिखेंगे रिएक्टिव इन नेचर, रिएक्टिव इन नेचर, और इसके बारे में लिखेंगे अन रिएक्टिव इन नेचर, अनरिएक्टिव इन नेचर। इसका यूज किस में किया जाता है, इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी, ज्वेलरी में, इसका यूज किस में किया जाता है, यूज्ड इन पेंसिल, यूज्ड इन पेंसिल में, पेंसिल में बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये सीरीज आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन के बारे में हमने आपको पढ़ाया, ठीक है। एक बात और, नहीं ठीक है सर, पूरा ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में दो कंपाउंड अभी हमको पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ज्यादा लाइन नहीं लिखेंगे हम भी, ठीक है, कमी लाइन लिखेंगे। ये इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ कार्बन होता है, इसमें क्या होता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि कैसे बनता है कार्बन, तो इसमें हम लोग इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ कार्बन, ठीक है। और ये हो गया कंप्लीट कंबंशन ऑफ कार्बन, कंप्लीट कंबंशन ऑफ कार्बन, ठीक है। एक बात और यहां से पॉइंट देख लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस की कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाटर गैस, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। ये दोनों का यूज किस चीज में किया जाता है, एज ए फ्यूल में, ये दोनों का यूज किया जाता है, यूज्ड एज फ्यूल, यूज्ड एज फ्यूल में इसका यूज किया जाता है। जबकि हम इसमें एक पढ़ना है,
इसमें दूसरा पेंसिल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से इसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। क्या बोलते हैं इसको, कभी पूछेगा कि आपसे ड्राई आइस यानी इट इज लुक लाइक आइस। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो कैसे लेते हैं, आइस की तरह दिखते हैं, इसे कहने से नाम पड़ा ड्राई आइस, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बनेगा, इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ कार्बन, और कंप्लीट कम्बशन यानी कार्बन कार्बन पूरी तरह से जलेगा, अच्छी तरह से जलेगा तो क्या बनाएगा देगा, कौन सा गैस देगा, कार्बन मोनो कार्बन नहीं, जबकि ये जहरीला होता है, पॉइजनस गैस होता है, कौन ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलिए और यहाँ पे क्या होता है, सीओ प्लस एच टू को लेंगे तो वाटर गैस, सीओ प्लस एन टू लेंगे तो प्रोड्यूसर गैस, आपका इंपॉर्टेंट कंपाउंड कार्बन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं पॉलीमर्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या देंगे, पॉलीमर्स, पॉलीमर्स, पॉलीमर्स होता क्या है, तो पहले हम लोग पहले होते हैं पॉलीमर्स समझते हैं, पॉलीमर्स होता है मेनी, पॉलीमर्स होता है मेनी, और मर्स बने होता है यूनिट, मर्स बने होता है यूनिट, यानी कई यूनिट को मिलाएंगे तो एक पॉलीमर्स बनेगा। जैसे हम आपके जैसे हम आपसे पूछते हैं, बोलते हैं आपने लिया इथिलीन यानी हो गया C2H4, इससे आपने क्या बनाया, बनाया ये हो गया इथिलीन, ये हो गया इथिलीन, और इथिलीन का कई मॉलिक्यूल्स भी हैं, कितने मॉलिक्यूल्स भी, कई मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, C2H4 का क्या बना, एन मॉलिक्यूल्स बना, तो ये हो गया इथिलीन। अच्छा इधर एन लग गया तो नाम दिया गया इसको पॉली इथिलीन, क्या नाम दिया गया, पॉली इथिलीन, यानी इस इथिलीन के कई मॉलिक्यूल्स मिलाए, दैट मीन्स मोनोमर हो गए, ये क्या कहलाया, मोनोमर का मतलब क्या हुआ सिंगल मॉलिक्यूल, मोनोमर का मतलब क्या हो गया, सिंगल मॉलिक्यूल, क्योंकि C2H4 कितने मॉलिक्यूल थे, एक ही मॉलिक्यूल थे, एक ही यूनिट थे, उसका हमने कितना मॉलिक्यूल लिया, तो यहाँ पे C2H4 का अगर हम एन मॉलिक्यूल लेंगे तो ये हमको क्या देगा, ये हमको पॉलीमर देगा, क्या देगा, यानी मोनोमर, कई मोनोमर मिलेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा। अब मोनोमर से पॉलीमर जाने के प्रोसेस को बोलेंगे, सॉरी ठीक है, इसके प्रोसेस को नाम क्या देंगे, प्रोसेस को क्या देंगे नाम, उसका पेंसिल लिखेंगे पॉलीमेराइजेशन, क्या नाम देंगे, पॉलीमेराइजेशन। तो व्हाट इज पॉलीमेराइजेशन, द लार्ज मेनी यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स, मेनी यूनिट ऑफ मोनोमर्स कंबाइंड टुगेदर टू गिव पॉलीमर इज नोन एज पॉलीमेराइजेशन। व्हाट इज पॉलीमर, मेनी यूनिट्स, जब हम कई मोनोमर को मिलाते हैं तो एक नया कंपाउंड बनता है, एक नया सब्सटेंस बनता है, उसको नाम क्या देते हैं, मोनोमर देते हैं। आया बात समझ कि पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है ना। अब यहां से मेरे पास कुछ टर्म है, तीन चार टर्म है, वो लोग समझेंगे, ठीक है। ये होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, होमो पॉलीमर एंड को पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर और को पॉलीमर क्या होता है, देखो होमो पॉलीमर क्या होता है, अगर हमारा मोनोमर ले रहे हैं तो नाम क्या देंगे, होमोपॉलीमर लेंगे, यानी होमोपॉलीमर हो गया किसके लिए,
सेम टाइप ऑफ मोनोमर, सेम टाइप ऑफ मोनोमर। हम यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं, आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। अगर आपको कहीं भी लिखा गया जाए पॉलीइथिलीन, पॉलीइथिलीन, तो पॉलीइथिलीन में सिर्फ हम इथिलीन ही ले रहे हैं, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ये सब कैसे हैं, होमो पॉलीमर है। जबकि दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, को पॉलीमर, क्या है, को पॉलीमर, को मोर देन वन टाइप ऑफ पॉलीमर, यानी कि यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर। इसका एग्जांपल क्या होगा हमारा, एग्जांपल क्या होगा आपका, यहाँ होगा बेकेलाइट, बेकेलाइट, बेकेलाइट में एक से ज्यादा मोनोमर होते हैं, एक से ज्यादा मोनोमर होते हैं। या फिर आपका नायलॉन 66, नायलॉन 66। तो आपसे पूछा जाएगा कि पॉलीथिलीन कैसे, किस टाइप का पॉलीमर है, होमो पॉलीमर है या को पॉलीमर है, आप बोलेंगे होमो पॉलीमर है क्योंकि इसमें एक ही टाइप का मोनोमर है। जबकि पीवीसी वगैरह भी आता है, बेकेलाइट किस में आता है, को पॉलीमर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर, आपके टर्म में आपके काम का टर्म है, और कंडेंस CONDENSATION, कंडेंसेशन, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर में हम लोग किस चीज़ लेंगे, बस एक लाइन यहाँ से आ गए। एडिशन पॉलीमर में भी आपका एक से ज़्यादा मोनोमर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, सेम होगा, ये डिफरेंट होगा, गलत बात है, ठीक है। और कंडेंसेशन और यानी ऑब्टेन बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मोनोमर्स, ठीक है। लेकिन जो कि बातें यहाँ से अलग है वो समझते हैं, इसमें विदाउट एलिमिनेशन ऑफ, इट्स फॉर्म बाय द विदाउट एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, विदाउट एलिमिनेशन में से तो हटना, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, जैसे एज पर क्या क्या हो सकता, क्या क्या हो सकता है, जैसे NH3 है ना, CO2 है ना, ऐसा कंडेंसेशन पॉलीमर में विथ एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, विथ एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, विथ एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, तो विथ एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स दैट मीन्स वही चीज फैक्टर से वही बात क्या होगा, NH3 हटेगा, CO2 हटेगा। एग्जाम्पल क्या देंगे, एग्जाम्पल क्या देंगे, यहां भी देंगे वही बेकेलाइट या नायलॉन 66, और यहां आपका एग्जाम्पल क्या देंगे, जैसे कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, पीवीसी दे दिया है ना, टेफ्लॉन दे दिया है ना, ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए एडिशन पॉलीमर। नेक्स्ट एक और टर्म है थर्मोसेटिंग पॉलीमर और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर किसको बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर किसको बोलते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर किसको, थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर किसको बोलते हैं,
तो वैसा पॉलीमर इसको हम लोग सॉफ्ट कर सकते हैं एंड मेल्ट ऑन हीटिंग एंड हार्डर ऑन कूलिंग, मतलब दिस कैन बी सॉफ्ट ऑन सॉफ्ट हो सकता है जब करेंगे उसको मेल्ट करेंगे ऑन हीटिंग एंड हार्डर ऑन कूलिंग, एंड दिस नॉट सॉफ्ट ऑन हीटिंग बट रादर बिकम्स हार्ड। क्या हो सकता है इसको हम लोग सॉफ्ट ही कर सकते हैं और बल्कि ये क्या होता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, कौन थर्मोसेटिक पॉलीमर। लिख लीजिएगा इसके बाद को दिस सॉफ्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से होगा एक तो कोई भी नेट क्वेश्चन नहीं देख रहे देखिए दिस थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर इज दिस क्या बोले दिस सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग। It rather becomes hard. आपको ये चीज दिमाग में लगाना है, ये हमेशा क्या होता है एक बार याद रखना, जहां एडिशन पॉलीमर होगा, जहां एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा वहां पे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होगा, और जहां कंडेंसेशन पॉलीमर होगा वहां पे थर्मोसेटिक पॉलीमर होगा। मैंने क्या बोला याद रखना, मैंने क्या बोला लाइन, जहां कंडेंसेशन पॉलीमर होगा एंड यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा, जो कंडेंसेशन पॉलीमर होगा या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा वहाँ क्या होगा थर्मोस्टेटिक पॉलीमर होगा, और जहाँ एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा एडिशन पॉलीमराइजेशन आया पसंद नहीं वहाँ क्या होगा सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यही पूछा जाता है आपसे कि कहाँ पे थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर है, कौन थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर है, कौन थर्मोस्टेटिक पॉलीमर है, जहाँ एडिशन हो गया वो थर्मो प्लास्टिक हो गया, जहाँ कंडेंसेशन हो गया वो थर्मो सेटिंग पॉलीमर हो गया। चलिए अब हम लोग को कुछ कुछ बातें आपको बता रहे हैं, इथिलीन C2H4 का क्या लेना है एन मॉलिक्यूल्स लेना है, यहाँ पे क्या बनेगा आपका ये हो गया इथिलीन और हो गया पॉलीइथिलीन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि पॉलीइथिलीन का मोनोमर क्या होगा तो आप क्या नाम देंगे, या पॉलीथीन पॉलीइथिलीन बोले या पॉलीथीन बोले, पॉलीइथिलीन बोले या पॉलीथीन बोले, दोनों का मोनोमर क्या है इथिलीन है। इथिलीन क्या है आपका, इथिलीन क्या है आपका, इथिलीन क्या है आपका मोनोमर है, इथिलीन क्या है मोनोमर है। इसका यूज किस में किया जाता है, इसका यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी कहते हैं, या पैकेट वगैरह बनाने में, या घर में जितना भी सामान वगैरह कॉम वगैरह सब सब आपको देते हैं, पैकिंग पैकेजिंग में भी हम लोग पॉलीथीन का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पीवीसी का, तो पीवीसी हो गया विनाइल क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड का हो गया CH2CHCl, CH2Cl यानी एक कार्बन दो कार्बन, एक एच दो एच और यहाँ एक एच यहाँ सी एल, इसे क्या मॉलिक्यूल कितना मॉलिक्यूल लेना है एन मॉलिक्यूल लेना है। क्या बनेगा यहाँ पर ये हो गया क्या हो गया ये नाम क्या देंगे इसको विनाइल क्लोराइड, ये क्या नाम हो गया विनाइल क्लोराइड, जबकि इसका नाम क्या बना पॉली विनाइल क्लोराइड।
यहाँ आपको मोनोमर से पॉलीमर बनाएंगे उसमें एक पर पहले जोड़ देना, पॉली जरूर जोड़ देना, ठीक है। इसका शॉर्ट में बोलते हैं इसको पीवीसी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको पीवीसी बोलते हैं। इसका यूज किस में किया जाता है, रेनकोट्स वगैरह हैंड रैप बनाने में, या ये वेरी गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, ठीक है। इट यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रिकल वायर केबल्स, कुछ को भी कोटिंग करने में हम लोग किसका यूज करते हैं, पीवीसी का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट आया आपका सी एफ टू सीएल। इसका हम कितना मॉलिक्यूल लेंगे, फिर एन मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। और इससे क्या बनाएंगे हम यहाँ पे सी एफ, ठीक। ये जो बना है एन मॉलिक्यूल, इसका नाम हो गया टेफ्लॉन। इसका नाम क्या हो गया, टेफ्लॉन। इसका नाम क्या हो गया, टेफ्लॉन। तो मुझे टेफ्लॉन का फॉर्मूला क्या होता है, तो सी एफ टू सीएल टू होता है, ठीक है। इसका मोनोमर कौन हो गया, तो डाइक्लोरो डाइफ्लोरो इथिलीन, ठीक है। अब इसी में पॉली लगा देना, पॉली डाइक्लोरो डाइफ्लोरो इथिलीन या टेफ्लॉन, ठीक है। इसका यूज किया जाता है यूटेंसिल वगैरह बनाने में, यूनिवर्सिटी यूटेंसिल वगैरह बनाने में किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब आइए एक और यूज करते हैं, नायलॉन सिक्स का किसका यूज होता है, इसमें कौन कौन केमिकल है, हेक्सा मिथिलीन डाइएमाइन, समिथिलीन डाइएमाइन एंड एडीपिक एसिड, कैसा एसिड, एडीपिक एसिड। ये दोनों हो गया तो क्या हो गया, नायलॉन सिक्स हो गया। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, सॉक्स वगैरह या स्वेटर्स वगैरह बनाने में हम लोग किसका यूज करते हैं, नायलॉन सिक्स का यूज करते हैं। इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी पॉलीमर्स खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक चलते हैं, इसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें हम लोग तीन चार को केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, किस चीज का क्या चीज होता है, एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स का मतलब होता है लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। हम इधर लिखते हैं एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स का मतलब क्या हुआ, जो बॉडी को टेम्परेचर को क्या करता है, कम करता हूं, तो क्या लिखेंगे, लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर। इसमें आपका केमिकल कौन कौन है, तो किसके किसके यूज करते हैं, एस्पायरीन हो या पारासीटामोल हो, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, एंटीपायरेटिक्स में यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है, टू किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको केमिकल बताते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन, नाम सुनेंगे पहले भी हम लोग क्या रहता है, टिंचर ऑफ आयोडीन, 2-3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल एंड वाटर इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन, बताया थे आप लोगों को, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, है ना, टिंचर ऑफ आयोडीन या आयोडोफॉर्म, या दूसरा आयोडोफॉर्म। इसका यूज किस में करते हैं हम लोग, एंटीसेप्टिक में करते हैं, सर किस में करते हैं, एंटीसेप्टिक में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंटी मलेरियल्स भी हम लोग जानेंगे, एंटी मलेरियल्स हम ऑलरेडी बोल देते हैं, एंटी मलेरियल्स किस में यूज करते हैं, बुखार को कम करने के लिए होता है,
या एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोश करने के लिए। इस सभी अगर आपको आएगा तो आप समझ आएंगे कि एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है, बेहोश करने के लिए जो यूज करते हैं उसको एनेस्थेटिक बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से वो हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन सुनना अच्छे से। बेकेलाइट इज विच टाइप ऑफ पॉलीमर? बेकेलाइट इज विच टाइप ऑफ पॉलीमर? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, बोथ या नन ऑफ दीज? थर्मोसेटिंग पॉलीमर, मैंने बताया था जस्ट। बेकेलाइट कौन सा पॉलीमर है? बेकेलाइट कौन सा पॉलीमर है? बेकेलाइट, बेकेलाइट, हाँ देखो बेकेलाइट कैसा पॉलीमर है? कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या है? बेकेलाइट है, तो बेकेलाइट इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। आयोडोफॉर्म का यूज किस में करते हैं? एंटीसेप्टिक में। देखो जस्ट अभी दिखाया है, आयोडोफॉर्म का यूज किस में करते हैं? आयोडोफॉर्म का यूज किस में करते हैं? एंटीसेप्टिक में करते हैं। ऑप्शन था एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक, एनेस्थेटिक या एंटी मलेरियल्स। आंसर इज एंटीसेप्टिक। द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लीड पेंसिल, पेंसिल बनाने में किसका यूज करते हैं? ग्रेफाइट का, लीड का, कार्बन का या माइका का? माइका मीन्स पफक। तो किसका यूज करते हैं? ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ड्राई आइस क्या है? लिक्विफाइड नाइट्रोजन है या लिक्विफाइड हाइड्रोजन है या सॉलिड CO2 है या आइस डस्ट है? सॉलिड CO2 है, निकालते हैं सॉलिड CO2 जो होता है वो लुक लाइक द आइस, इसी कारण उसका नाम पड़ा है ड्राई आइस। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल गिव पॉइजनस गैस, मैंने बोला था कि पॉइजनस गैस होता है वो। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, ठीक है, गिव पॉइजनस गैस। कौन सा गैस बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर ऑप्शन था कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका ऑर्गेनिक तो केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया आपका। मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन आपको हम नहीं छोड़ेंगे, कोई टॉपिक आपका नहीं ऐसा है कि जो इनकम्प्लीट हो। सारा टॉपिक हमने आप लोगों को कवर कर दिया, तो आप लोग अच्छे से घर पर जाके बेहद अच्छी तरह से इसको रिविजन करें। ऑप्शो आप लोगों का अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, गुड बाय ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, गुड बाय।